Good morning, Standard 8. How are you, class? Class, we are in Chapter 8, Linear Equation. We have already finished Exercise 8A. Now, this is the term of Exercise 8B. बेटा देखो इसमें बहुत सारे sums हैं और सारे सवाल हम आपके लिए solve नहीं कर सकते. So, I am just solving first 5 sums. इसके आगे के कुछ sums भी हम आपको send कर देंगे. But आपको ये कोशिश करनी है कि आपको सारे examples अच्छे से बना लेनी है. ठीक है, examples जितनी बनी हुई है उतनी बना लो. और एक दिन और क्लास लेंगे इसकी और उसके बाद से ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो जाएगा. सो क्लास देखो, ये सारी की सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. वर्ड प्रॉब्लम यानी कि क्वेश्चन को आप 2 से 4 बार पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए, तब उसकी स्टेटमेंट बनानी है. आपको स्टैंडर्ड 6 में 7th में आपने स्टेटमेंट बनाई होगी, शायद याद है या नहीं याद है. देखो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 8:3, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 143, फाइंड द नंबर्स. तो आपको पता है कि रेशियो वाले सम में अगर रेशियो दी गई है और उसी को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या लिखते हैं, लेट द रेशियो ऑफ द नंबर्स 8 और 3 था, तो 8 को 8x कर दिया, 3 को 3x कर दिया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम ऑफ दीस टू नंबर इज 143. हमने लिख दिया कि 8x को और 3x में ऐड करेंगे तो आंसर शुड बी 143. 11x इज इक्वल टू 143. x की वैल्यू निकालने के लिए 11 आके यहां डिवाइड किया, इट हैज बिकम 13. x हो गया 13. तो आपको ये दो नंबर पता लगाने हैं कि कौन-कौन से हैं. 8x यानी कि 8 * 13 मींस 104 और दूसरा नंबर है 3x यानी कि 3 * 13 39. अब आप 104 और 39 को ऐड करके देख लो, इट विल बिकम 143. क्वेश्चन नंबर 2 है, 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. कि किसी एक नंबर का 2/3 जो है वो उस ओरिजिनल नंबर से 20 कम. तो हमने सबसे पहले ओरिजिनल नंबर को अज्यूम किया, लेट द ओरिजिनल नंबर बी x. अब 2/3 ऑफ अ नंबर, 2/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर. 20 लेस देन यानी कि इस ओरिजिनल नंबर से वो 20 कम है, तो इसमें से हमने 20 माइनस कर दिया. तो अब आप देखो ये माइनस का प्लस का x इधर जाएगा, तो क्या होगा, माइनस x. 2x / 3 माइनस x इज इक्वल टू माइनस 20. 3 इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लगाया, एलसीएम लिया, 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 1 * 2x 2x माइनस 3 को 1 से डिवाइड किया, 3 3 * x 3x इज इक्वल टू माइनस 20. अब देखिए बेटा, 2x - 3x करेंगे तो माइनस x आएगा, अपॉन 3 है इक्वल्स माइनस 20. माइनस माइनस दोनों तरफ से काट देंगे और ये 3 जो यहाँ डिवाइडेड है इधर आपको क्या हो जाएगा, इनटू, यानी कि x की वैल्यू आ गई 60. अब आपको अपना आंसर मैच करना है कि क्या आपका आंसर सही है कि नहीं. अगर इस x की जगह आप 60 लिख दो तो वो 60 3 से कट जाएगा, 3 20 का 60, 20 * 2 40 और यहाँ 60 माइनस 20 40, दोनों तरफ 40 आ गया, योर आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपको वही सवाल है कि 4/5 ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर. यानी कि एक ओरिजिनल नंबर अज्यूम करना है, उसका 4/5 जो है उसके 2/3 से 10 ज्यादा है. तो आपने लिखा कि 4/5x कितना है, 2/3x + 10. अब ये वैल्यू 2x/3 जो है इधर आके माइनस हो जाएगी, ये 10 यहाँ अकेला रह गया. 5 और 3 का एलसीएम लिया, इट हैज बिकम 15. 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 3 4 = 12. माइनस 15 को 3 से डिवाइड किए, 5 5 = 10. 12x - 10 = 10 के बराबर था. अब ये यहां पर 12 में से 10 माइनस किया, 2x/15 और यहां 10 / 1. 1 को 2x से इनटू करा, 2x 15 को 10 से इनटू करा, 150. x की वैल्यू निकालना है, 2 यहां इनटू था, इधर के डिवाइड हुआ, इट हैज बिकम 75. देखो हमारा आंसर कैसे सही है, 4/5 × 75 ये बराबर होना चाहिए किसके, 2/3 × 75 + 10 के. 15 × 75 = 15 = 60, इधर आ गया 60, इधर देखो 25 × 50 + 10 = 60, दोनों तरफ 60 आ गया और आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 24 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट. कह रहा है कि 24 को इस तरह से 2 हिस्से में बांटो कि पहले पार्ट का 7 पहले वाले हिस्से का 7 गुना को अगर दूसरे वाले हिस्से के 5 गुना में ऐड किया जाए तो आंसर 146 आना चाहिए. तो देखो बेटा, हमने 24 को 2 हिस्से में बांटा, हमने पहला हिस्सा लिखा 8 और अगर हम इसमें 24 प्लस 8 नहीं x लिया ऐड करेंगे, x है पहला और दूसरा 24 माइनस x, इसलिए हमने 24 माइनस x लिया कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास 24 बच जाए, क्योंकि आपको 24 को ही 2 हिस्से में बांटना था, इसलिए पहला हिस्सा हो गया x और दूसरा 24 माइनस x. जब ये दोनों हिस्से जुड़ेंगे तो वापस 24 रहेगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले हिस्से का 7 गुना जब दूसरे हिस्से के 5 गुना में ऐड होगा
आंसर विल बिकम 146. 7 into x 7x, 24 into 5 120, minus 5 into x 5x is equal to 146. अब देखो बेटा, x x एक साथ करते हैं कि बिना x की वैल्यू एक साथ. 7x minus 5x किया 2x plus 120 is equal to 146 plus 120 इधर आके minus हुआ. 2x को गेट 26, x की वैल्यू हो गई 13. अब देखो, फर्स्ट पार्ट था x, तो पहला पार्ट हो गया 13, x की वैल्यू 13 आई है. सेकंड पार्ट था 24 minus x, यानी कि 24 minus 13, वो हो गया 11. अब देखो 13 और 11 को जोड़ो, 24 आता है ना, आपको 24 के दो हिस्सा करने थे, पहला 13 है, सेकंड वाला 11. आज का लास्ट सम है क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाय 5. कह रहा हूं एक ऐसा नंबर पता लगाओ जिसके पांचवें हिस्से में जब हम 5 जोड़े तो वो किसके बराबर हो जाए, फोर्थ पार्ट ऑफ दैट नंबर डिमिनिश बाय 5. यानी कि आपने एक नंबर एग्जूम किया x, उसके पांचवें हिस्से में अगर 5 जोड़ा जाए तो वो बराबर होता है उसी नंबर के चौथे हिस्से में से 5 माइनस कर देंगे. डिमिनिश का मतलब माइनस करना, एड का मतलब प्लस करना. तो 5 बाय x बाय 5 प्लस x, ये माइनस का x हम इधर ले आए हैं, प्लस x हो गया, और ये x बाय 5 हम इधर ले आए, माइनस हो गया, यहाँ प्लस का माइनस हो गया. 5 5 10, 5 4 का एलसीएम 20, 20 को 4 से डिवाइड किया 5, 5x माइनस 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 into x 4x, ठीक है, 5x माइनस 4x होता है x बाय 12, और इधर 10 था, अकॉर्डिंगली तो क्रॉस मल्टीप्लाई होना है, x into 1 x, 20 into 10 200, यानी कि वो नंबर कौन सा नंबर है, 200. अब देखो कैसे ये 200 है, यहाँ देखो 200 को 5 से डिवाइड करा और उसमें 5 ऐड किया. देखो 200 को 5 से डिवाइड किया तो 40 आया, प्लस 5 किया तो आ गया 45, और इक्वल किसके होना चाहिए, 200 को 4 से डिवाइड किया और माइनस 5, 200 को 4 से डिवाइड किया है 50 माइनस 5, दैट इज बिकम 45. दोनों पार्ट 45 45 हो गए. इक्वल का मतलब है कि बीच में इक्वालिटी, इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ का नंबर. क्लास इतना ही आज के लिए, आप कंफ्यूज ना होगा लिखने में इसलिए हम इसको रफ कर देते हैं. अगर आपको इसको भी कहीं रात में नोट डाउन करना होगा तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हो. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं. ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास के साथ कल मिलेंगे. आज हम इसके साथ 5 सम्स और सेंड करेंगे आपको. घबराना नहीं कि जिसे 10-10 सम दे दिए, करने हैं आपको. ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.